नमस्कार, द रिप्रिंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। दोस्तों, सभी रीजन के रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स परिणाम से नाखुश नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट की। इसके रिजल्ट आने के बाद ही ट्विटर पर ट्रेंड हुआ आरआरबी एनटीपीसी स्कैम। जी हां, स्कैम बताया जा रहा है इसको। आपको बता दें, छात्रों ने हैशटैग के साथ आरआरबी एनटीपीसी स्कैम ट्वीट किया और इसके बाद बोर्ड ने भी अपना जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया बोर्ड ने वो भी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि छात्रों का कहना क्या है। छात्र इस रिजल्ट को छात्रों के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं उन्होंने ट्विटर पर दी हैं। अंकित पांडे नामक एक शख्स ने लिखा कि सिस्टम शासक बन जाए तो न्याय कैसे होगा। और भी आपको ऐसे ढेरों ट्वीट मिल जाएंगे ट्विटर पर जो इस रिजल्ट को स्कैम बता रहे हैं और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि असल वजह है क्या। छात्रों का कहना है कि 35,000 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। पहले चरण की परीक्षा के बाद लगभग 8 लाख उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना था। हर रीजन में खाली पदों के अनुसार 7 से 8 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने थे, मगर जारी रिजल्ट में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की संख्या रीजन की रिक्तियों की तुलना में 3 से 4 गुना ही है। इस परीक्षा की कट ऑफ भी बेहद हाई है। छात्र ट्वीट कर इस पर मीम शेयर कर रहे हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा का कट ऑफ SSC और IBPS के कट ऑफ से भी ज्यादा है। कैंडिडेट्स ने 16 जनवरी रविवार की सुबह से ही इसको ट्रेंड कर दिया था। इसके बाद बोर्ड का जवाब आया। छात्रों के आरोपों पर जवाब देते हुए रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग तय नियमानुसार ही हुई है। जो भी हो, कैंडिडेट्स ने इसे स्कैम बताया और ट्विटर पर जोरदार तरीके से ट्रेंड भी करवाया। 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट शेयर हुए हैं ट्विटर पर। द रिप्रिंट न्यूज चैनल पे ये थी आज की ट्रेंडिंग न्यूज। देखते रहिए द रिप्रिंट न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।